कैलाश विजयवर्गीय जी को अपना पूरा वो जो उनका आभा मंडल बना के रखा है, मुझे लगता है कि वो भी सोच रहे होंगे वो कौन सी घड़ी थी जिसमें मैं एक नंबर में फंस गया। विजयवर्गीय जी इंदौर में, उनके जीवन का ये आप ये मान के चलिए कि उस समय वो मोटरसाइकिलों पर घूम घूम के रात को दो दो तीन तीन बजे लोगों के हाथ पैर जोड़ते फिर रहे हैं। क्योंकि मैं संजय शुक्ला को धन्यवाद देता हूँ, उसने अपने पुरुषार्थ से 5 वर्षों में एक बेटे के स्वरूप में जो काम किया है, आज की तारीख में एक बहुरूपिया के रूप में दूसरा नेता अगर वहां पर आकर के वोट मांगने लगता है तो जनता उसको किस हालत में पहुंचा देती है, ये इसका सीधा सीधा प्रमाण है। कैलाश विजयवर्गीय को आप बहुरूपिया मानते हैं? मैं देखिए वो स्वाभाविक रूप से वो तो अपना उनका स्वरूप ही कला अलग रहता है, कभी वो कुछ बन जाते हैं कभी वो कुछ बन जाते हैं। 10 साल थे वो हेलीकॉप्टर में घूमने की बात करते थे कि मैं तो आसमान में घूमूंगा और मैं इतनी सभाएं करूंगा और इतना ये करूंगा वो। मेरा मानना ये है कि चलिए कैलाश विजयवर्गीय अलग अलग सीटों से चुनाव लड़ते, पहले 4 नंबर से भी लड़े, फिर 2 नंबर से भी लड़े, फिर उनके लड़के को 3 नंबर से लड़ाया खुद, अगर 3 लड़के ने इतना 2000 करोड़ का बोल रहे हैं वो, मैंने 2000 करोड़ का काम करा, फिर उस जगह से चुनाव क्यों लड़ा? ये तो करते क्या है साहब, एक जगह पर चुनाव लड़ते हैं, वहां की जनता को बना देते हैं। हाँ, इनके पास एक हुनर है बेवकूफ बनाने का, वो जो मदारी का डमरू बजाते हैं और लोगों को बेवकूफ बनाने का, उस मामले में ये होशियार है। ये 52 पत्ते की स्थिति में नहीं है, ये बस ये उस पूरी ताज की गड्डी के जोकर साबित कर दे कि मध्य प्रदेश में और पूरे देश में कहीं भी झूठ बोलने वाले लोगों का कोई स्थान नहीं। अब चेहरा तक नहीं है मध्य प्रदेश में भाजपा के पास, अब मोदी जी को ला रहे, क्या मोदी जी यहाँ से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने? ये बुझते हुए चिराग की लौ जो भभक रही है, ये संकेत बता रही है कि उनको जाना मालूम है कि हमारा जाना तय है। इस फिल्म में सबसे बड़ी बात है हीरो कौन है यही पता नहीं चल रहा। फूल का मतलब होता है मूर्ख बनाना भी होता है, अब केवल एक ही चेहरा है कि लोगों को मूर्ख बनाना। मध्य प्रदेश चुनाव का सफर हमारा जारी है, अभी मैं मौजूद हूं सुजालपुर विधानसभा क्षेत्र में। हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस सेवा दल के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष महेंद्र जोशी जी, उनसे ही जानेंगे जिस प्रकार से आप घोषणा पत्र की बात कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र आ गया है, कैसे देखते हैं इसको? देखिए, झूठ का पुलिंदा वही सब पुरानी तिकड़मबाजी कर करू करके शब्दों का हेर फेर करके फिर उन्होंने प्रयास किया है, लेकिन वो खुद अपने जाल में फंस गए। आप देखिए इतने जोर शोर से 3 महीने पहले चुनाव में प्रलोभन की दृष्टि से उन्होंने लाडली बहना योजना का बड़ा भारी प्रचार प्रसार किया, हजारों लाखों करोड़ों सैकड़ों करोड़ रुपया उसमें खर्च किया, उनके संकल्प पत्र या जो भी पत्र उन्होंने बनाया है उसमें कहीं उसका उल्लेख नहीं है। ये दरअसल सारी कवायद भाजपा के संपूर्ण चरित्र को दिखाती है। आप अगर गौर करेंगे तो वो कहते क्या हैं फिर उस पर अमल नहीं करते, फिर चुनाव के समय में फिर कुछ एक नया माया जाल बुनते हैं और फिर लोगों को प्रलोभन देने की कोशिश करते हैं और किसी प्रकार येन केन प्रकार फिर सत्ता में आने की बात करते हैं। वही यही मुख्यमंत्री जी चिल्ला के कह रहे थे कि 1000 दिए हैं, अब 1250 दूंगा, फिर 1500 दूंगा और 3000 तक ले जाऊंगा, संकल्प पत्र में क्यों नहीं है? बड़ा सीधा सीधा प्रश्न है। इसलिए 1500 तो वृद्धा पेंशन का रखा है ना संकल्प। देखिए, मेरा मानना यह है कि ये बुझते हुए चिराग की लौ जो भभक रही है, ये संकेत ही बता रही है कि उनको जाना मालूम है कि हमारा जाना तय है, तो जितना बोल सकते हैं उतना झूठ बोलते हैं। उसकी असल में प्रैक्टिस बड़ी तगड़ी है उनकी झूठ की, तो लोगों को प्रलोभन करने की कोशिश करते हैं। अच्छी बात ये हो रही है, मैं लोकतंत्र को के लिए मैं सलाम करता हूं इस मध्य प्रदेश की जनता को जिन्होंने सारी सब बातों को बड़ी गंभीरता से समझ लिया। लोग खुद ये कहने लगे कि हमें मालूम है कि ये हमको किस तरीके से लुभाने की कोशिश हो रही है, हमारे मतदान को हमारे मत को प्रभावित करने का प्रयास असफल प्रयास किया जा रहा है। और मैं जान रहा हूं कि अब ये बहुत करीब है 17 तारीख, 17 तारीख को फैसला होगा और जिसका 3 तारीख को लोगों को सामने आ जाएगा कि मध्य प्रदेश में और पूरे देश में कहीं भी झूठ बोलने वाले लोगों का कोई स्थान नहीं। क्या फैसला होगा? फैसला बड़ा स्पष्ट है, कमलनाथ जी के नेतृत्व में लोगों ने विश्वास व्यक्त किया है, मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार 100% बन रही है। लेकिन नारे गढ़े जा रहे हैं ना कि एमपी के मन में मोदी। अब मैंने बचपन में एक छोटा किस्सा सुना था कि जब कोई एक छोटा कमजोर सा आदमी होता था, जब उसके पास कुछ नहीं होता था, वो कहता था मैं अपने बड़े भाई को बुला के लाऊंगा और कहता था उससे लड़ाई करवाऊंगा, डबल इंजन और ये सारे शब्द जो हैं अगर आप गौर करें इसमें, ये कमजोरी की निशानी है। डबल इंजन तब लगाया जाता है जब ट्रैक्टर कीचड़ में फंस जाता है तो उससे ज्यादा हॉर्स पावर का ट्रैक्टर लाने की कोशिश होती है। ये खुद भी दलदल में फंसी हुई सरकार है, डबल इंजन का नाम है। मोदी जी को जबरदस्ती में अब उनका अब चेहरा तक नहीं है मध्य प्रदेश में भाजपा के पास,
अब मोदी जी को ला रहे हैं, क्या मोदी जी यहाँ से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे? भारतीय जनता पार्टी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का एक ही चेहरा है, वो है कमल का फूल। वो तो समझ में आ रहा है, फूल का मतलब होता है मूर्ख बनाना भी होता है। अब केवल एक ही चेहरा है कि लोगों को मूर्ख बनाना, ये उसी आधार पर वही फूल बनाने की कोशिश है। ये कोई देखिए जनता का विश्वास खो चुके हैं, इसलिए आप गौर करिएगा, पूरी की पूरा केंद्रीय नेतृत्व 7 लोगों को मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ा रहे हैं। ये पहली चीज होती है आपके आत्मविश्वास को डगमगाते हुए देखने का कि पहली निशानी थी भाजपा की कि उन्होंने अपने 7 लोगों को मध्य प्रदेश में उतारा, 3 केंद्रीय मंत्री उतारे, सांसद, महासचिव, तमाम लोग। उसके बाद में मोदी जी आ रहे हैं, फिर अमित शाह आ रहे हैं, जगत प्रसाद नड्डा, और क्या सारे हिंदुस्तान की। मेरा मानना यह है कि भाजपा कहती है ना, हमारी संगठन में ताकत है, हमारे कार्यक्रमों में ताकत है, हमारे विकास का एजेंडा है। लोग बात तो इसी आधार पर वोट देना चाहिए। जब आपने कुछ किया होता तो लोग इस मौके पर पारितोषिक देती। इस देश का लोकतंत्र बड़ा सीधा सीधा है, इस हाथ दे उस हाथ ले। लेकिन जिस हाथ में केवल मुंह से देने देने की बात थी तो लोगों ने भी कह दिया है मुंह चलाने वाली सरकार नहीं चलेगी, अब काम चलाने वाली। तो कह रहे जनता को भी दिया है, लाडली बहना को दिया है। बहुत बहुत देर हुजूर आते आते बहुत देर कर दिया, 18 साल याद नहीं आई लाडली बहना, पहले याद कर लेते आदमी के मन में। उसका कारण है, देखिए मैं बताऊं आपको, जहां पर वो झूठ में उनको लगा कि ये बड़ा कन्वीनियंट रास्ता, बड़ा सरल तरीका है लोगों को बेवकूफ बनाने का, करते रहे। अब नहीं चल रहा तो लगा कि क्या करें, तो जितना झूठ बचा हुआ है अभी उनके पास कोटे में बड़ा झूठ का बड़ा अंबार रहता है, लेकिन खूब सारा मध्य प्रदेश के अंदर लोग प्रलोभन देने की कोशिश हो रही है। अब नहीं चल रहा, मतलब मैं आपको सच बताऊं कलाई खुल चुकी है और काट की हांडी 2-3 बार चढ़ गई, अब की बार मामला साफ है। लेकिन अमित शाह यहाँ आ रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि 9 साल बेमिसाल रहा है केंद्र का, मध्य प्रदेश को भी बेमिसाल बनाएंगे। अगर 9 साल बेमिसाल तो आपको यहाँ की जरूरत यहाँ क्यों है गली गली भटकने की? बड़ा सीधा प्रश्न होता है। अगर मेरा बड़ी इस फिल्म में सबसे बड़ी बात है हीरो कौन है यही पता नहीं चल रहा अभी तक। सारे विलेन ही विलेन अपने आप को हीरो घोषित करने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों की निगाह में विलेन बन चुके हैं ये सारे चेहरे। लोग जानते हैं कुछ नहीं होगा किसी सूरत में, लोग जनता बड़ी स्पष्ट रूप से देखिए मध्य प्रदेश की किसी भी व्यवस्था की पहली धुरी होती है उस प्रदेश का आर्थिक विकास। अभी स्थिति यह है मध्य प्रदेश आर्थिक रूप से डगमगा चुका है, युवा बहुत अपने भविष्य को लेकर बहुत चिंतित हैं, किसानों की स्थिति बड़ी गंभीर है मध्य प्रदेश के अंदर, किसान बहुत परेशान है। सब सारी परिस्थितियों को लेकर, सारी बातों को लेकर के आम आदमी में बड़ा बड़ा अविश्वास पैदा हो गया है भारतीय जनता पार्टी के प्रति, यही सब कारण। देखिए सिर्फ आलोचना के लिए आलोचना नहीं होती, मेरा मानना यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने अगर अपने 18 सालों में इतना काम किया होता तो आज की तारीख में आपको सही बता रहा हूं आपको, लोग सिर्फ ये देखते वो कहते हमारा ये रिपोर्ट कार्ड है। भाई आपको अगर अधिकार दिया है लोगों ने तो आपका उत्तरदायित्व भी तो है, आपका धर्म बनता है कि लोगों को बताएं कि हमने ये काम किया, कहां किया है? अगर किया होता नौकरी के लिए, और उसके बदले में आपने कुछ 25,000 के आसपास 22,000-24,000 घोषणा करी, मतलब अंबार लगा दिया घोषणाओं का, वो हो नहीं पा रहा, जमीन पर कुछ उतर नहीं पा रहा। कोई नई चीजें एजुकेशन में, एग्रीकल्चर में, एम्प्लॉयमेंट को लेकर के, हेल्थ को लेकर, देखिए हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स नहीं है, स्कूल में मास्टर नहीं है, ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर इनफैक्ट पूरे मध्य प्रदेश का चरमरा गया। एक चीज बताइए, जिस प्रकार से मध्य प्रदेश चुनाव में कई दिग्गजों को मैदान में उतारा गया है, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल हैं, नरेंद्र सिंह तोमर हैं, उसके बाद कैलाश विजयवर्गीय हैं, क्या लगता है इसका कोई प्रभाव रहेगा? देखिए सबसे बड़ा एक ही चीज का कहां क्या प्रभाव पड़ेगा, अगर प्रभाव पड़ता तो ये अपने क्षेत्र से बाहर निकलने की कोशिश करते। अभी की स्थिति यह है कि ये सब अपने अपने क्षेत्र तक सीमित हो गए, बहुत बुरी हालत है। दिमनी में नरेंद्र सिंह तोमर अपने जीवन का सबसे सर्वाधिक संकट काल में है, श्रीमान कैलाश विजयवर्गीय जी इंदौर में, उनके जीवन का ये आप ये मान के चलिए कि उस समय वो मोटरसाइकिलों पर घूम घूम के रात को 2-2, 3-3 बजे लोगों के हाथ पर जोड़ते फिर रहे हैं सारी जगह पर। ये जिस चीज के लिए सोच रहे थे कि हमने ये त्रुप के पत्ते चले, मैं आपको सही बता रहा हूँ ये 52 पत्ते की स्थिति में नहीं है, ये बस ये उस पूरी ताश की गड्डी के जोकर साबित कर दे। कह रहे कैलाश विजयवर्गीय जमीन से जुड़े हुए नेता है, जनता के पास जा रहे हैं। हाँ, वो तभी जोड़ दिया गया उनको जमीन से, 10 साल थे वो हेलीकॉप्टर में घूमने की बात करते थे कि मैं तो आसमान में घूमूंगा और मैं इतनी सभाएं करूंगा और इतना ये करूंगा वो करूंगा। मेरा मानना ये है कि चलिए कैलाश विजयवर्गीय अलग अलग सीटों से चुनाव लड़ते, पहले 4 नंबर से भी लड़े, फिर 2 नंबर से भी लड़े, फिर उनके लड़के को 3 नंबर से लड़ाया खुद, अगर 3 लड़के ने इतना 2000 करोड़ का बोल रहे हैं वो, मैंने 2000 करोड़ का काम करा, फिर उस जगह से चुनाव केंद्र लड़ा।
ये तो करते क्या है साहब, एक जगह पर चुनाव लड़ते हैं, वहां की जनता को बना देते हैं। हाँ, इनके पास एक हुनर है बेवकूफ बनाने का, वो जो मदारी का डमरू बजाते हैं और लोगों को बेवकूफ बनाने का, उस मामले में ये होशियार है। लेकिन अब की बार फंस गए हैं, तो इंदौर के अंदर एक पसीना आ गया है। संजय शुक्ला ने जो वास्तविक रूप से 5 वर्षों में काम किया है, कैलाश विजयवर्गीय जी को अपना पूरा वो जो उनका आभा मंडल बना के रखा है, मुझे लगता है कि वो भी सोच रहे होंगे वो कौन सी घड़ी थी जिसमें मैं एक नंबर में फंस गया। एक नंबर में उनको शायद जीवन का सर्वाधिक कठिन समय देखने को मिल रहा है। आपके कहने के मुताबिक वो चुनाव हार रहे हैं? देखिए, हार और जीत तो जनता तय करती है, लेकिन मैं आपको इतना जरूर स्पष्ट कर देता हूं, क्योंकि मैं कह सकता था बड़ी आसानी से कि ये हार रहा है और वो जीत रहा, नहीं। हाँ, मैं ये कह रहा हूं कि मैं संजय शुक्ला को धन्यवाद देता हूं। उसने अपने पुरुषार्थ से 5 वर्षों में एक बेटे के स्वरूप में जो काम किया है, आज की तारीख में एक बहुरूपीय के रूप में दूसरा नेता अगर वहां पर आकर के वोट मांगने लगता है तो जनता उसको किस हालत में पहुंचा देती है, ये इसका सीधा सीधा प्रमाण है। कैलाश विजयवर्गीय को आप बहुरूपिया मानते हैं? मैं देखिए, वो स्वाभाविक रूप से वो तो अपना उनका स्वरूप ही अलग रहता है, कभी वो कुछ बन जाते हैं कभी वो कुछ बन जाते हैं, तो आदर करता हूँ, बड़े हमारे बड़े भाई हैं, सब कुछ है, राजनीति में आदर सबसे पहली चीज है। लेकिन एक नंबर में चुनाव आए हैं तो वो किस आधार पर, उनके पास कोई आधार नहीं है वोट मांगने का, मांग रहे हैं लेकिन जनता कमल का फूल है आधार। अब की बार सबसे बड़ी भूल कमल का फूल ये लोगों ने समझ लिया है, इसलिए उस भूल को दोहराएगी नहीं मध्य प्रदेश की।